संपूर्ण जगत में पवनसुत हनुमान जी एक पूजनीय देवता हैं, क्योंकि वह पूरे संसार को बल वह बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के डर पर विजय पाने के लिए हनुमान जी का नाम लेना ही काफ़ी होता है। त्रेता युग में हनुमान जी वह बलशाली स्तंभ थे जिनकी ताकत ने लंका के राजा रावण जैसे शक्तिशाली शासकों को भी भयभीत कर दिया था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने ही देश में एक ऐसा गाँव है जहाँ प्रत्येक ग्रामीण वासी आज भी हनुमान जी से नाराज है। यह वह अद्भुत गांव है जहां पवनसुत हनुमान जी की पूजा करना तो दूर की बात है। उस गांव में कोई भी व्यक्ति लाल रंग का झंडा तक नहीं लगाता है। गांव वालों का पवनसुत हनुमान जी के प्रति इतनी अधिक नाराजगी का कारण क्या हो सकता है और यह गांव कहां स्थित है? आइए इस दिलचस्प कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अद्भुत गाँव भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के जोशीमठ के निकट स्थित है। इस गाँव का नाम द्रोणगिरी गांव है। द्रोणगिरी नाम से सुनते ही कुछ ध्यान आया आपको? जी हाँ, उसी पर्वत पर वह गांव है जहां हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। हनुमान जी ने तो वही काम किया जो सुषेण वैद्य ने उन्हें सुझाया था। फिर उन्हें अपने प्रभु श्री राम के भाई के लक्ष्मण जी के प्राण भी तो बचाने थे, लेकिन जाने अनजाने गांव वालों ने हनुमान जी से बहुत ही नाराज हो गए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी के लिए उनके गांव का द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए, जिसको गांव वाले देवता के समान पूजते थे। हनुमान जी को भी यह क्या पता था कि गांव के लोग उस द्रोणागिरी पर्वत की पूजा करते हैं या नहीं। वह द्रोणगिरी पर्वत के निकट मिली उस वृद्ध महिला से संजीवनी बूटी की पहचान फिर से पूछकर केवल संभवतः उस औषधि का पौधा ही ले जाना चाहिए था। अब आगे का किस्सा सुनिए। जब हनुमान जी ने रातों रात द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर ले गए तो दूसरे दिन सुबह उठने पर सारे गांव वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि रातों रात इतना विशाल द्रोणगिरी पर्वत कहाँ गायब हो गया। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी असुर का कार्य है, फिर जिसने अपनी असुरी शक्ति से पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत गायब कर दिया, क्योंकि वह असुर हमारे द्वारा की जाने वाली द्रोणगिरी पर्वत की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करना चाहता था। लेकिन जब गांव वालों ने अपने ही गांव की एक महिला से हनुमान जी के द्वारा द्रोणगिरी पर्वत को उठा ले जाने की पूरी कहानी सुनी तो वह अचरज में पड़ गए। गाँव की उस महिला ने बताया कि नित्य की तरह वह ब्रह्म मुहूर्त में द्रोणगिरी पर्वत को प्रणाम करने घर से आई थी। उस समय जब चारों ओर अंधेरा था, जब उसने महिला ने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत के आसपास देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि आज यह वानर राज हमारे गांव के किस प्रयोजन में आए हैं। जब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया और बताया कि अयोध्या के राजा श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है, शक्ति बाण लगने के कारण वह धरती पर मूर्छित पड़े हैं, यदि सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका जीवित रह पाना मुश्किल होगा। हनुमान जी की पूरी कथा सुनकर द्रोणगिरी गाँव की वह महिला द्रवित हो गई और प्रभु राम की सहायता के लिए तैयार हो गई। उसने हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत और उसके पर्वत की संजीवनी बूटी की पहचान के बारे में बताया, लेकिन हनुमान जी रात के अंधेरे में संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले पहुंचाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठाकर चल दिए। गाँव वालों ने उस महिला की बात सुनकर उस महिला और हनुमान जी को बहुत नाराज हो गए। हनुमान जी से वह इसलिए नाराज हो गए क्योंकि वह उस गांव वालों का देवता तुल्य द्रोणगिरी पर्वत उठाकर ले गए थे, और उस महिला से इसलिए नाराज हो गए कि क्योंकि उसी ने उसी द्रोणगिरी पर्वत पर उगाने वाली संजीवनी बूटी की पहचान बताई थी। त्रेता युग के उस दिन की नाराजगी आज तक गांव वालों में कायम है, इसलिए आज भी द्रोणगिरी गांव के लोग द्रोणगिरी पर्वत साथ ले जाने के कारण हनुमान जी से नाराज हैं। साथ ही गांव वाले स्त्री जाति से भी नाराज हैं, क्योंकि एक स्त्री ने ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता बताया था, जिसके कारण उनका पूजनीय द्रोणगिरी पर्वत उनके गांव से दूर हो गया। आज भी उस गांव में होने वाली पूजन के अवसर पर अक्सर स्त्रियों को दूर रखा जाता है द्रोणगिरी पर्वत। द्रोणगिरी गांव की इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जय हनुमान जरूर लिखें, जय सियाराम। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर सपोर्ट करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आगे भी अपना प्यार बनाए रखें। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।